तो किसी एक फ्रेंड ने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पर कि आप अब अंतिम 10 दिन में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उस पर वीडियो। तो ये मेरा अपना ओपिनियन जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप उसे वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन सुनिए एक बार। देखिए, तो जो पहला काम होना चाहिए, अभी अगले 10 दिन में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। पहला चीज़ तो आपने जितना भी पढ़ा है, मान लीजिए आपका कुछ टॉपिक छूट भी गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए आने वाले 10 दिनों में। आने वाले 10 दिन ही हैं जो आपके फ्यूचर को मेकअप करने वाले हैं, इसलिए अभी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉन्फिडेंस रहिए कि मैं जितना पढ़ा हूँ उतना ही आएगा नीट में, और मेरा होगा ही नीट में, मुझे नीट में रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा बिलीव रखिए आप कि कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है जो कि मुझे नीट क्वालिफाई करने से रोक दे, नीट में 520 प्लस लाने से रोक सकता है। ऐसा फेथ होना चाहिए अपने आप में, आपने जितना पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ऐसा सोचिए आप। पहला चीज़ तो, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज होना मतलब आपका 10 दिन बर्बाद भी जाएगा और उस दिन में नीट में आप डिप्रेशन में रहिएगा। तो कम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, चाहे आप कितना भी कम पढ़े हो, कॉन्फिडेंस रहना, हाई हाई कॉन्फिडेंस रहना है, ठीक है, पूरा फुल कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, अभी आप फुल कॉन्फिडेंट रहिए। आपने कितना भी कम पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, आपका नीट में होगा, ऐसा विश्वास रखिए, ठीक है। उस दिन जो होगा देखा जाएगा, अभी हम क्यों टेंशन लें, जो बाद में होने वाला चीज़ है उसके बारे में सोच कर भी क्या करें। जो अभी 10 दिन है अपना उसको यूटिलाइज करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा रिजल्ट। थोड़ी ऐसा है कि ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा ये है, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी आप 10 दिन कॉन्फिडेंस रहिए। सेकेंड पॉइंट फॉर डिस्कशन क्या है अपना, रिवीजन कीजिए बायोलॉजी एनसीईआरटी। अभी आप बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दीजिए, यदि अभी तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है, अब बायोलॉजी एनसीईआरटी को एक बार अब रिवीजन कीजिए अंतिम तक। मतलब बायोलॉजी एनसीईआरटी जो 11th एंड 12th है, मैं बोलूँगा इसको कम से कम 2-2 बार रिवाइज कर लीजिए, दोनों को, 11th को भी 12th को भी, 2-2 बार अगले 10 दिनों में 2-2 बार एक बार रीडिंग लगा लीजिए एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी 2-2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके 75 to 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो कम से कम आप एनसीईआरटी को 11th और 12th दोनों के एनसीईआरटी को 2-2 बार रीडिंग जरूर लगा लीजिए इन 10 दिनों में। ये प्रायोरिटी पर रखिए आप, ये सबसे प्रायोरिटी पर होगा आपका, क्या कि एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो भी बुक है मेरे पास उसको 2 बार रीडिंग लगाना है हमको अच्छे से। फिर क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करें अब हम, तो फिजिक्स में आप फार्मूलाज रिवाइज कीजिए, हर आप एक दिन उठिए, एक दिन में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर्स, 5-5 चैप्टर्स का बनाइए, 5-5 चैप्टर्स के फार्मूला रिवाइज कीजिए, सही है ना, 5-5 चैप्टर्स का फार्मूला रिवाइज कीजिए। ऐसे मैं एक फार्मूलाज का पूरा लिस्ट अपलोड करूँगा जल्दी ही, 1-2 दिन में, ठीक है। तो आप कम से कम फार्मूलाज को डेली रिवाइज कीजिए, 4-4, 5-5 चैप्टर्स के फार्मूला को रिवाइज कीजिए, ताकि जो टारगेट होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए कि अगले 10 दिनों में हम 11th एंड 12th दोनों के फार्मूलाज को कम से कम 2 बार रिवाइज कर लें। एटलीस्ट फार्मूलाज को 2 बार रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं यदि आपके पास टाइम है तो ओके, इट्स ओके। यदि आपने फार्मूलाज पूरे तरह से कर लिए हैं, कंसेप्चुअली क्लियर, तो ठीक है, तो आप उसको रिवीजन करने में टाइम मत लगाइए, आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अभी फार्मूलाज यदि नहीं हुए हैं कंठस्थ, तो आप फार्मूलाज को कम से कम 2-2 बार 10 दिनों में रिवाइज कर लीजिएगा। इस तरह केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है अपना, उसके फार्मूलाज देखिए एक बार, फिर जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का तो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, इसको रिवाइज करते रहिए आप ऐसे ही देख देख कर, बस रिएक्शंस रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म का टाइम नहीं अपने पास, तो कम से कम रिएक्शंस रिवाइज कर लीजिए, नेम रिएक्शंस देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है, GOC-1 देख लीजिए एक बार, तो रिविजन करते रहिए ऐसे। और ये 10 दिनों में हेल्थ पर खासा ध्यान देना है, क्योंकि मान लीजिए हेल्थ गड़बड़ाता है 10 दिनों में, तो फिर आप उस दिन नीट दे पाएँ नहीं दे पाएँ मुश्किल हो सकता है, इसलिए हेल्थ पर ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपके अभी टेस्ट में मान लीजिए 600-650 रन नंबर बन रहे हो, लेकिन मान लीजिए 2-3 दिन पहले तबीयत खराब गया आपका, तो उस दिन आप नीट मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं दे पाए, या तबीयत खराब होने के कारण उस एफिशिएंसी से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए जिस एफिशिएंसी से अभी आप दे रहे हैं और 600 स्कोर कर रहे हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हेल्थ पर अच्छा खासा ध्यान रखना है, खाने पीने और सब कुछ टू द पॉइंट करना है, क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग होंगे कोचिंग जो बाहर रहते होंगे घर से दूर, जो घर पर हैं उनको तो ठीक है गार्जियंस हैं अवेलेबल, मम्मी पापा हैं उसके तो ध्यान देंगे, लेकिन आप जो बाहर हैं हो यहाँ से दूर हैं घर से अपने, उनको अच्छे से ध्यान देना है इस बात पर, ठीक है। तो हेल्थ नहीं बिगड़ना चाहिए 10 दिनों में, अच्छे से खाइए एकदम, जो एकदम अच्छे से खाइए, पूरा स्वस्थ रहिए अभी 10 दिनों में, बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट जो था स्लीप, सोना है अभी, अब 8 घंटे सोइए कम से कम, डेली 8 आवर्स सोइए, डेली 8 आवर्स, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी स्लीप अच्छा करना है आपको। और एक और चीज़ कि मैं पहले भी इस बात को बोला हूँ कि 10 से 1 के बीच में, जो दिन में 10 से 1 होता है, उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे वही कीजिए,
तीन तीन घंटे पर स्लॉट में कीजिए, 3 घंटे के स्लॉट में, क्योंकि नीट भी होगा वो 10 से 1 ही होगा, तो आपको लगेगा कि मैं रूम पर बैठ के अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 10 से 1 आदत हो गया होगा आपको अभी तक, यदि मैंने आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो अभी से कम 10 दिनों तो ऐसा कर ही लीजिए, ठीक है, 10 से 1। और एक और बात, यदि कोई क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनता हो तो आपको एकदम डिप्रेशन नहीं होना, मैं बोला हूँ कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको 180 के 180 क्वेश्चन वहाँ करने हैं, ठीक है ना, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, यदि क्वेश्चन नहीं बन रहे कोई दिक्कत नहीं यार, जितना मैंने पढ़ा है वही से आएगा, जो नहीं बन रहा है वो वहाँ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, जैसे घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी लोग घबरा कर अभी ही हार मान लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, समझ में आया ना, वो आपको नहीं करना, हारना अभी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं देखे मैंने, मेरे साथ भी थे, जिनका 460 450 बन रहा था एलन के टेस्ट में या जहाँ भी वो टेस्ट दे रहे थे, लेकिन जब नीट आया तो उसमें 540 560 बना है, ठीक है, और वो किसी न किसी कॉलेज में है अभी, मेडिकल कॉलेज में, तो आपको इससे घबराना नहीं है।